हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेटेस्ट पावरफुल तीन पोको के स्मार्टफोन के बारे में, जो आपको मार्केट में अंडर 30,000 के देखने को मिल जाते हैं, जहां पर आपको तगड़े फ्लेक्सिबल लेवल के डिजाइन के साथ ही साथ सारे फीचर्स टॉप नोच लेवल के देखने को मिल जाते हैं, लाइक अच्छी खासी फ्लेक्सिबल लेवल की डिस्प्ले और DSLR लेवल के कैमरे की क्वालिटी के साथ ही साथ अच्छा खासा पावरफुल चिपसेट भी देखने को मिल जाता है, जिससे आप हैवी से हैवी गेमिंग और हैवी से हैवी मल्टीटास्किंग इजीली कर पाओगे। किसी भी तरह का कोई भी जिटर या ब्लॉट वेयर देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, अभी के टाइम पर आप अपने स्मार्टफोन को अपग्रेड करने की सोच रहे हैं या फिर कोई नया स्मार्टफोन बाय करने का प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए रहने वाली है। इस वीडियो में हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं तीन पोको के स्मार्टफोन। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, ये स्मार्टफोन हमने रैंकिंग वाइज नहीं रखे हैं। आप अपनी प्रायोरिटी या फिर नीड के अकॉर्डिंग किसी भी स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और बात कर लेते हैं फर्स्ट स्मार्टफोन के बारे में, जो कि पोको का एक पावरफुल स्मार्टफोन रहेगा, पोको X5 Pro 5G। दोस्तों, मोबाइल फोन में 5G कनेक्टिविटी के साथ ही साथ सारे फीचर्स टॉप नॉच लेवल के देखने को मिल जाते हैं। वन बाय वन आपको सारे फीचर्स बता देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोबाइल फोन की डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस रेजुलेशन वाला MOLED पैनल देखने को मिलेगा, साथ ही साथ HDR10+ का सपोर्ट भी मिलेगा। 900 पीक ब्राइटनेस मिलेगी, 86% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलेगा, डिस्प्ले 120 हर्ट्ज़ पर रन करेगी। ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी आपको एकदम फ्लेक्सिबल लेवल की देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं मोबाइल फोन के प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर आपको 6 नैनोमीटर वाला क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G ऑक्टाकोर पावरफुल चिपसेट मिलेगा, LPDDR4X की रैम मिलेगी। मोबाइल फोन एंड्रॉइड V12 पर आएगा और MIUI 14 पर रन करेगा। UFS 2.2 का स्टोरेज मिलेगा। दोस्तों, ये स्मार्टफोन आपको एकदम जबरदस्त परफॉर्मेंस निकाल कर देगा, इसमें आप हैवी गेमिंग मल्टीटास्किंग इजीली कर पाओगे। बात कर लेते हैं मोबाइल फोन के कैमरे के बारे में, तो यहाँ पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा, जिसमें मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस मिलेगा। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी। मोबाइल फोन के मेन कैमरे से 4K/30fps पर मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरे से भी 1080p/30fps पर मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। 5000mAh की बैटरी मिलेगी, जो सपोर्ट करेगी 67W फास्ट चार्जर को। दोस्तों, फाइनली बात कर लेते हैं मोबाइल फोन के डिजाइन के बारे में, तो यहाँ पर आपको 7.9mm मोबाइल फोन की थिकनेस और 181g मोबाइल फोन का वेट देखने को मिलेगा। डॉल्बी एटोमस की तरफ से डुअल स्पीकर मिलेंगे, 3.5mm का ऑडियो जैक मिलेगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा और फेस अनलॉक मिलेगा। दोस्तों, फाइनली बात कर लेते हैं मोबाइल फोन के प्राइस के बारे में, तो मोबाइल फोन का 8GB+256GB वाला वेरियंट अभी के टाइम पर अमेजोन फ्लिपकार्ट पर देखने को मिल जाएगा 24,999 रुपीज। दोस्तों, बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में, जो कि पोको का अभी हाल ही में लॉन्च किया गया स्मार्टफोन रहेगा, पोको F5 5G। दोस्तों, मोबाइल फोन में सारे फीचर्स फ्लेक्सिबल लेवल के देखने को मिल जाएंगे। वन बाय वन आपको सारे फीचर्स बता देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोबाइल फोन की डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस रेजुलेशन वाला सुपर MOLED पैनल देखने को मिलेगा, साथ ही साथ HDR10+ का सपोर्ट भी मिलेगा। डिस्प्ले 120 हर्ट्ज़ पर रन करेगी, 1000 पीक ब्राइटनेस मिलेगी, 89% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलेगा। ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी आपको एकदम टॉप नॉच लेवल की देखने को मिलेगी। दोस्तों, बात कर लेते हैं मोबाइल फोन के प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर आपको 4 नैनोमीटर वाला क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2 ऑक्टाकोर पावरफुल चिपसेट मिलेगा, LPDDR5 की रैम मिलेगी। मोबाइल फोन एंड्रॉइड V13 पर आएगा, UFS 3.1 का स्टोरेज मिलेगा। दोस्तों, ये स्मार्टफोन आपको एकदम तगड़ी परफॉर्मेंस निकाल कर देगा। मोबाइल फोन में हैवी से हैवी गेमिंग और हैवी से हैवी मल्टीटास्किंग इजीली कर पाओगे। किसी भी तरह का कोई भी जिटर या ब्लॉट वेयर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात कर लेते हैं मोबाइल फोन के कैमरे के बारे में, तो यहाँ पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिसमें मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस मिलेगा। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी। मोबाइल फोन के मेन कैमरे से 4K/30fps पर मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरे से भी 1080p/30fps पर मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। 5000mAh की बैटरी मिलेगी, जो सपोर्ट करेगी 67W फास्ट चार्जर को। दोस्तों, फाइनली बात कर लेते हैं मोबाइल फोन के डिजाइन के बारे में, तो यहाँ पर
आपको 7.9 mm मोबाइल फोन की थिकनेस और 181 ग्राम मोबाइल फोन का वेट देखने को मिलेगा। डॉल्बी एटोमस की तरफ से डुअल स्पीकर मिल जाएंगे, 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलेगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा और फेस अनलॉक मिलेगा। दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं मोबाइल फोन के प्राइस के बारे में। तो मोबाइल फोन का 8GB प्लस 256GB वाला वेरियंट अभी के टाइम पर अमेजोन फ्लिपकार्ट पर देखने को मिल जाएगा 29,999 रुपीज। दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं लास्ट स्मार्टफोन के बारे में, जो कि पोको का थोड़ा सा पुराना स्मार्टफोन रहेगा, पोको F4 5G। दोस्तों ये स्मार्टफोन भी एकदम तगड़े फीचर्स के साथ आता है। वन बाय वन आपको सारे फीचर्स बता देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोबाइल फोन की डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पर आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला सुपर AMOLED पैनल देखने को मिलेगा, साथ ही साथ HDR10 प्लस का सपोर्ट भी मिलेगा। डिस्प्ले 120 हर्ट्ज पर रन करेगी, 1300 पीक ब्राइटनेस मिलेगी, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलेगी, 86% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलेगा। ओवरऑल मोबाइल फोन में आपको एकदम तगड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं मोबाइल फोन के प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पर आपको 7 नैनोमीटर वाला क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 कोर पावरफुल चिपसेट मिलेगा। मोबाइल फोन एंड्रॉइड V12 पर आएगा, UFS 3.1 का स्टोरेज मिलेगा। दोस्तों मोबाइल फोन में एकदम जबरदस्त प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, इससे आप हैवी गेमिंग मल्टीटास्किंग इजीली कर पाओगे। बात कर लेते हैं मोबाइल फोन के कैमरे के बारे में। तो यहाँ पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा, जिसमें मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस मिलेगा। फ्रंट में 20 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी। मोबाइल फोन के मेन कैमरे से 4K/30fps पर मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरे से भी 1080p/30fps पर मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। 500mAh की बैटरी मिलेगी, जो सपोर्ट करेगी 67W फास्ट चार्जर को। दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं मोबाइल फोन के डिजाइन के बारे में। तो यहाँ पर आपको 7.7 mm मोबाइल फोन की थिकनेस और 195 ग्राम मोबाइल फोन का वेट देखने को मिलेगा। डॉल्बी एटोमस की तरफ से डुअल स्पीकर मिलेंगे। मोबाइल फोन में 3.5 mm का ऑडियो जैक मिसिंग रहेगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा और फेस अनलॉक मिलेगा। दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं मोबाइल फोन के प्राइस के बारे में। तो मोबाइल फोन का 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट अभी के टाइम पर अमेजोन फ्लिपकार्ट पर देखने को मिल जाएगा 27,999 रुपीज। दोस्तों ये थे हमारी लिस्ट के 3 पोको के जबरदस्त पावरफुल स्मार्टफोन। आपको कौन सा स्मार्टफोन सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।